कृषि हेल्पलाइन में मैं मनोज कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जितनी ज़रूरत आज की डेट में किसान को कंबाइन हार्वेस्टर की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत स्टोर रीपर की है। स्टोर रीपर मेन जो हम लोग बात करें तो ये गेहूं के बाद जो पीछे कचरा बच जाता है उसको मरीम करके जानवरों को खिलाने के काबिल हो जाता है, उसी के लिए ये स्टोर रीपर को यूज़ किया जाता है। ये स्टोर रीपर भारत में अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, अलग अलग कंपनियां इसको रिप्रेजेंटेशन करती हैं इंडिया में। हम लोग मलकीत कंबाइन की तरफ से आज देख रहे हैं, ये स्टोर रीपर है। शेप सबकी लगभग उतनी रहेगी, किसी का शेप में थोड़ा सा आगे होगा, किसी का पीछे होगा, किसी ने लुक बदलने के लिए इसमें शील्डें लगा रखी होंगी, किसी ने नहीं लगा रखी होंगी। क्योंकि शील्डें की बात करें, ये कवर है बेल्ट के ऊपर लगने वाला, कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते। जो पहले डिज़ाइन में चेंज अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसके एक ऊपर एक शील्ड लगती थी, मतलब उसको शीट मेटल में डिज़ाइन बना के उसको कवर किया जाता था, लेकिन वो आजकल बंद कर दिया। उसका कारण ये है कि शील्ड के नीचे काफ़ी हद तक कचरा रह जाता है और वो सफाई नहीं हो पाता, तो सफाई ना होने की वजह से नीचे से वो गलना चालू हो जाता था। आज की अगर मॉडर्न बात करें हम लोग सबसे पहले, तो ये बॉडी जो बन रही है ये 4 mm और 5 mm की बॉडी प्लेट में से बन रही है। आज से 10-15 साल पहले अगर बात करें तो ये एंगल का चुकट्टा बना के इसमें से 10 गेज की शीट लगती थी, लेकिन आज मॉडर्न आप खरीदने के समय में ये ज़रूर ध्यान दे लीजिए कि इसकी जो बॉडी है 5 mm में सिंगल शीट ने में बनी हुई है या उसमें कोई जो चार जॉइंट है। ये हम लोगों जो बना रहे हैं ये सिंगल शीट में ही है। फिर आगे जब बात करें, ये रील है, रील के ऊपर जो ये स्पोर्टिंग है ये पहले शीट मेटल में लगता था, आजकल ये भी 4 या 5 mm की प्लेट के द्वारा बनती है। पेंट इसमें अलग अलग तरीके से, कोई भट्टी पेंट कर रहा है, कोई PU पेंट कर रहा है, या कोई एनामल पेंट कर रहा है, वो अलग वेयर एंड टेयर हो सकता है। और आगे हम लोग बात करें, ट्रैक्टर के साथ ये ऑपरेट होता है तो हर ट्रैक्टर का 540 RPM अलग स्पीड में निकलता है। वो स्पीड को वेयर एंड टेयर करने के लिए उस तरफ अगर देखेंगे तो पुलियां लगी होती हैं, वो पुलियों का साइज़ आपको ऊपर नीचे चेंज करना पड़ जाता है। जैसे इसमें आप अगर देखेंगे ये 14 9 की पुली लगी हुई है, तो 15 10 की लगेगी। जोंडियर अगर करेंगे, जोंडियर की बात या महिंद्रा की बात, उनकी RPM के ऊपर स्पीड कम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पुली ये 14 वाली 16 इंची की पड़ेगी। कुछ ट्रैक्टर हैं जिनमें 17 की भी ही पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग ये 540 RPM जो है ना जी, उनके 2100 की स्पीड में निकलते हैं, अगर हम लोग उतनी स्पीड में चलाएंगे तो डीजल खपत बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, इसकी कवरिंग करने के लिए पुलियों का हेर फेर करते हैं। और ये बात करें हम लोग ये गेयर की, तो पहले जो गेयर आ रहा है ये दोनों साइड से स्पोर्टिंग है। जो पहले गेयर आ रहा था उसका एक सिंगल साइड से स्पोर्ट करता था, वो भी बढ़िया है, लेकिन ये आज की डेट में मॉडर्न टाइम पे हम लोग बात करें तो ये उससे ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अलग अलग फील्ड में इसकी जो है ना जी, आपको भूसा की जो साइज़ है वो छोटा बड़ा लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें UP बिहार या MP में, यहाँ पे भूसा बहुत ही ज़्यादा मरीम लेते हैं, वो बिल्कुल कचरे की तरह होता है। उसके लिए स्टोर रीपर में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता, स्टोर रीपर सेम रहता है। इसके पीछे थ्रेशर के पीछे एक बास्केट लगती है, वो बास्केट की जो साइज़ है, जो गैप है वो कम होता जाता है। जैसे हम लोग बात करें कि बिल्कुल मरीम वाला, उसमें जो गैप है, कई लोग तो जो है सरियों के साथ, जो देसी हिसाब है कि सरियों को देखते हैं कि ये 52 सरिये वाला है या 54 सरिये वाला है या 51 सरिये वाला, वो साइज़ आपका वेयर एंड टेयर हो सकता है, क्योंकि बास्केट का जो गुलाई है किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। लेकिन आपको देखने वाली चीज़ है, अगर आपको मरीम लेना है तो उसके अंदर का जो गैप है वो 7 mm होना चाहिए। अगर आपको उससे थोड़ा सा मोटा लेना है, जैसे हरियाणा का कुछ बेल्ट है वो बिल्कुल बारीक नहीं लेते लेकिन वो मीडियम साइज़ में लेते हैं, तो वो जो गैप है वो 9 mm का होना चाहिए एक सरिये से दूसरे सरिये का। ये मैं आपको बास्केट का साइज़ बता रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें पंजाब हरियाणा के, कुछ बेल्ट ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा
मोटा लेते हैं कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, तो ये उस स्टेट में जो इसका गैप है वो बढ़ जाता है, वो मतलब सरिये को से सरिये का जो गैप है वो बढ़ के 11 mm 12 mm तक भी चला जाता है। और हम लोग इसमें बात करें अगर पीछे की तरफ आएँ तो इसकी जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है, किसी का किस तरीके से होता है किसी का किसी। आज की डेट में ये डबल ब्लोअर में बन रहा है, पहले ये सिंगल ब्लोअर में भी बनता था लेकिन आज की डेट में ये डबल ब्लोअर में बन रहा है। डबल ब्लोअर का मीन्स हो गया यहाँ पे दो पंखे हैं और ये दोनों पंखे ऑपरेट करते हैं एक ही टाइम पे। अगर हम लोग आज से 10 साल 12 साल पीछे की बात करें तो ये डबल ब्लोअर की जगह पे सिंगल ब्लोअर हुआ करता था, उससे जो आपकी कैपेसिटी निकल के आती थी वो उतनी अच्छी नहीं निकल के आती थी, इसलिए जो मॉडर्न टाइम आता गया इसमें सुधार होते गए तो ये डबल ब्लोअर निकल के आ रहा है अब। बाकी आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसमें नट बोल्ट जो है वो किस कंपनी के लगे हुए हैं, लोकल कंपनी के नट बोल्ट ना हो, लोक वाशल वाले नट बोल्ट हो, बैरिंग का क्वालिटी किस कंपनी का है वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर ना हो आए। और आज की डेट में जैसे ये 7019 का टायर है, इसको भी टायर को चेंजेस करने के लिए कुछ कंपनियों ने 650-20 का टायर लगा दिया, उसकी टायर की कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो अगर आपकी डिमांड हो तो वो भी लग जाता है, टायर वो अच्छा भी है और बढ़िया भी है, वो अलग अलग हो सकता है। पर आपको मेन फोकस क्या करना है कि जो आप बॉडी खरीद रहे हैं उसमें 5 mm की प्लेट हो, जो इसके अंदर आज की डेट में ब्लेड लग रहे हैं मैं आपको अगर लूज करके दिखाऊंगा तो उसमें ब्लेड हम लोग क्या है कि दो ब्लेड इकट्ठे एक जगह पे सेटिंग होते हैं, वो पहले के टाइम में अगर हम लोग देखेंगे कि सिंगल ब्लेड टू सिंगल बोल्ट उसको सेटिंग होता था, लेकिन अब वो चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ, मॉडर्न ज़माना आ रहा है, ये दो ब्लेड सिंगल बोल्ट के ऊपर सेटिंग है, कल को चेंज करने के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी, सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जिससे स्ट्रो बाहर निकलना है, ये शिफ्टिंग होके पिछली तरफ चला जाएगा, और अगर हरियाणा की बात करें पंजाब की बात करें तो ये डिस्चार्ज होकर इतना ही रहेगा, लेकिन हम अगर बात करें यूपी की, वहाँ पे दो टायर वाली ट्रॉली रहती हैं उनके ऊपर ये थोड़ा सा हमें डिस्चार्ज होकर लंबा करना पड़ जाता है। इस समय वर्किंग के टाइम पे आप देख रहे हो ये जो डिस्चार्ज होकर ये पीछे की तरफ चलाया गया, ये जाके ट्रॉली में सेट होगा, तो वो हर एक स्टेट से वेरियन टेयर हो रहता है। अब अगर हम लोग घूम के देखें तो सारा जो इसमें वेल्डिंग हो रहा है मिग वेल्डिंग हो रहा है, कुछ लोग आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आर्क वेल्डिंग का और मिग वेल्डिंग का ये बेनिफिट है कि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि वेल्डिंग बेकार हो गया या दिखने में भद्दा लग रहा है। ये मिग वेल्डिंग से वेल्डिंग बहुत लुक अच्छी निकल के आती है। ये हम लोगों ने बेल्टों का कवर लगा दिया, ये बिना कवर के भी ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी, लेकिन इससे सेफ्टी पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, कहीं से भी आपका कोई तार में या बेल्ट में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने इसमें सब में ग्रीसिंग करने के लिए नीपल बाहर दे रखा है, ये भी एक मेन पॉइंट है, क्योंकि आपको ग्रीसिंग करने के लिए नीपल जो है कहीं ना कहीं दिखने ज़रूरी हो जाते हैं, और कहीं से भी ऐसा माल नहीं है कि आपको दिखने में भद्दा लगे। और अगर हम लोग बात करें यहाँ आगे की तो इसमें ब्लेड जो लग रहे हैं हम लोग इसमें शार्प कंपनी के ब्लेड लगा के दे रहे हैं, और इसको सेफ्टी के लिए हम लोगों ने आगे ये हैंडल दे रखा। और इसी के तरीके से अगर हम लोग बात करें पीछे की तरफ तो यहाँ से भी हम लोगों ने इसको निकाल के रोकने के लिए यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट दे रखा है। ये अगर आपको वर्किंग नहीं है ये नीचे उतर जाएगा, अगर कभी कभार टायर फंस जाए या वो फंस जाए और टायर पंचर हो जाए उसको निकालना पड़े तो ये सेफ्टी पॉइंट हो जाता है।